Hello and welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. Today we are going to discuss about a very important topic, that is Delta plus variant. अभी तक हमारा focus था on Delta variant, कि Delta variant जो है corona virus का वो बहुत infection कर सकता है, उसकी transmissibility rate बहुत high है, vaccines के against भी effective नहीं होगा. और अभी तक हम जब डिस्कशन कर ही रहे थे इसके बारे में, एक नई चीज़ पता लगी है कि एक नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, डेल्टा प्लस वेरिएंट. तो इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे ऑन दिस वेरिएंट कि क्या है ये चीज़, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी कंसर्न्स क्या है. तो ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट. आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इट इज़ बेसिकली अ म्यूटेशन ऑन द डेल्टा वेरिएंट. यू कैन सी दिस इमेज ओवर हियर, इट्स अ टिपिकल डिपिक्शन ऑफ द कोरोना वायरस. और कोरोना वायरस ऐसा है कि ये जो बॉल सी है, इसके अंदर आपका वायरल मटेरियल है, वायरस वाला मटेरियल, और इसके जो बाहर जो आप ये स्पाइक से देख रहे हैं, प्रोट्रूशंस है, वो स्पाइक प्रोटीन है. तो डेल्टा प्लस वेरिएंट में क्या हुआ है कि एग्जिस्टिंग डेल्टा वेरिएंट जो था उसके स्पाइक प्रोटीन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ म्यूटेशंस आ गए हैं. टाइम टू टाइम, यू नो, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन, कुछ चेंजेस आते रहते हैं स्पीशीज में. तो ऐसा ही वायरस के लिए भी है और होता रहता है, बट कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं. तो डेल्टा प्लस इज सस्पेक्टेड टू बी दैट वन. सो डेल्टा प्लस इन इंडिया वॉज, यू नो, रिपोर्टेड टू बी First time it was reported in the Public Health England Bulletin on June 11th. तो पहली बार वहाँ पे अनाउंस हुआ था. तो देखते हैं कंसर्न क्या है. कंसर्न ये है कि जो म्यूटेशन हुआ है इन स्पाइक प्रोटीन, दैट हैज फीचर्स ऑफ द बीटा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस. बीटा वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में देखा गया था, और इसका कंसर्न आप देखिए यहाँ पे हाई इम्यून इवेजिवनेस है बीटा वेरिएंट की. सो इट इज़ एबल टू बाईपास और इवेड द ह्यूमन इम्यून सिस्टम. तो अगर मान लो वैक्सीनेशन लगी है, इम्यूनिटी बढ़ाई हुई है किसी ने, वो शायद इसको बाईपास कर सकता है. इट इज़ पॉसिबल दैट एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स और जो कॉकटेल्स हम लेते हैं, एंटीबॉडी कॉकटेल्स, वो इतनी इफेक्टिव ना हो. और फिर हमें डेल्टा वेरिएंट तो है ही है, डेल्टा वेरिएंट का ही कॉम्बिनेशन है. तो डेल्टा वेरिएंट का प्रॉब्लम ये था कि उसका हाई ट्रांसमिशन था, सो हाई ट्रांसमिसिबिलिटी, इवन इम्यून इवेसिवनेस भी ठीक ज़्यादा ही था इसका. तो साइंटिफिक कम्युनिटी अब ये कह रही है कि देर आर कंसर्न्स दैट वैक्सीन को ये बाईपास कर पाएगी, वैक्सीन इफेक्टिवनेस इतनी नहीं होगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेल्टा प्लस वेरिएंट. वो स्प्रेड भी ज़्यादा करेगा और इम्यून इवेसिवनेस भी ज़्यादा होगी. तो पॉसिबल है कि जो नेक्स्ट थर्ड वेव हो सपोजिंग, तो उसमें ये और डैमेज कर सकता है और डेथ टोल हो सकता है और बीमारियाँ हो सकती है. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. इनफैक्ट एक लैंसेट की रिपोर्ट है, लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है बहुत रिप्यूटेड. तो लैंसेट ने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जिसको इंडिया में कोविशील्ड कहते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस ऑन द डेल्टा प्लस वेरिएंट कम है. इट इज़ ओनली 60%. सो इट इज़ पॉसिबल दैट इवन फॉर अदर वैक्सीन्स, बिकॉज ज़्यादातर वैक्सीन्स जो होती है दे आर बेस्ड ऑन द एस प्रोटीन. क्या करते हैं, एस प्रोटीन को किसी भी फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और एक इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं. तो यही सब इन्होंने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला है कि दे में बी हाई मोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिसिबिलिटी एज वेल एज हाई इम्यून इवेशन प्रॉपर्टी. ऊपर से इन्होंने बोला है कि भैया इसका एक और एक कंसर्न है, दैट इट विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉकटेल ऑफ थेरेप्यूटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी. वैसे मैंने इसे अपनी वीकली करंट अफेयर्स क्लास, जो अभी मंडे को हुई थी, 12:30 to 1:30 हमारी रेगुलरली होती है, उसमें भी ये कवर किया था. तो मोनोक्लोनल एक्टिव एंटीबॉडीज़ पे वापस आते हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है कि बॉडी के बाहर लेबॉरेटरी में एंटीबॉडीज़ को कल्टिवेट करते हैं.
प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको इंजेक्शन के थ्रू ब्लड में डाल देते हैं, तो एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब आप सोचोगे कि ये तो बिल्कुल वैक्सीन जैसे है, इंजेक्शन लगाते हैं और उसमें एक इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। वैक्सीनेशन में हम लोग वायरस या वायरस की कोई चीज़ को बॉडी में डालते हैं, हम एंटीबॉडीज नहीं डालते, एंटीबॉडीज बॉडी खुद को खुद बना लेती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड वैक्सीनेशन। अब देखते हैं WHO क्या बोलता है, वो WHO और हेल्थ मिनिस्ट्री। WHO अभी बोल रहा है कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है, हमने इतना ट्रांसमिशन नहीं देखा है अभी तक डेल्टा प्लस का, सो हमारे लिए एट दिस मोमेंट जो प्रेजेंट वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, द प्रेजेंट वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स डेल्टा एंड अदर सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, दे रिमेन अ हायर पब्लिक हेल्थ रिस्क एज दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड इंक्रीजेस इन ट्रांसमिशन। तो अभी हम उस पर फोकस करेंगे ज़्यादा, लेकिन इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि ये चीज़ लाइटली नहीं ली जा सकती, तो फोकस उनका रहेगा ऑन कि जहाँ जिस रीजन में डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हो गया वहाँ पे देर इज़ अ नीड फॉर इन्हांस्ड पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स बाय फोकसिंग ऑन सर्वेलेंस, इन्हांस्ड टेस्टिंग, क्विक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एंड प्रायोरिटी वैक्सीनेशन। तो ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस रिलीज करी है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, आप इनको जॉट डाउन कर सकते हैं फॉर योर आंसर राइटिंग के लिए, और आप इसको अपने आंसर्स को और बेटर बना सकते हैं हमारे ये फ्रेजेस को यूज़ करके यहाँ पे। और ये भी है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है दैट कैन इन्फ्लिक्ट अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शंस, तो अभी सेकेंड वेव था, इट इज़ पॉसिबल दैट इट मे कॉज बी थर्ड वेव ऑल्सो। अब ये डेल्टा प्लस अकेले तो नहीं कर सकता थर्ड वेव, इट्स बेसिकली द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग फॉलो नहीं करते हैं, बट चांसेस इज दैट डेल्टा प्लस वेरिएंट, आप देखिए ना इम्यून इवेजिवनेस है इसकी, तो ये सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है, दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं होंगी, वैक्सीनेशन शायद उतनी इफेक्टिव ना हो, तो ये और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो यही था हमारे पास अभी तक ऑन डेल्टा प्लस वेरिएंट। अगेन वन मोर टाइम आई वांट टू टेल यू, वी आर हैविंग वीकली करंट अफेयर्स कवरेज, बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है, हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं, करंट के साथ साथ लिंक कर रहे हैं उसको। तो जो आपको प्रॉब्लम आती है कि कैसे स्टडी करना है करंट अफेयर्स को, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब चीज़ें वो हम लाइव कवर करेंगे फ्रॉम 12:30 to 1:30 एवरी मंडे। तो आपको पिछली क्लास का आपको लिंक भी मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो दिस इज़ ऑल वी हैव इन दिस सेशन, थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS, एंड आई एम योर करंट अफेयर्स मेंटर शुभाशीष सिंह रेहाल। Bye-bye, take care, and all the best for your exams.